आरी सोगन दो जरी केन लागे क्रीम का चमकरी चाहिए बाबा खागो रे रांदी क्रीम का बराम अटे तो थारे हट में दर्द हो रही है। नहीं नहीं कोई बात के बुझाओ गाड़ी सर मारी जाए। जय श्री राम भाई लोगों, सभी भाई लोग कैसे हो, मस्त हो, मजे में हो? तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आया, और भाई आज मेरी हुई है सेवा पूजा। भैया मस्त मालिश वालिश करी गई है सिर के अंदर, क्योंकि डैंड्रफ ज्यादा बढ़ रहा था। और तौलिया देख के आप समझ गए कि भाई सीधा नहाने जाने की तैयारी थी। और पीछे कौन खड़ा है मेरे? ये ओ चश्मा लगा के आई फ्लो को तो नहीं, तो फिर चश्मा कट लगा। मैं अब जा रही हूं, इसलिए एक्टिवा चलाऊंगी ऊपर बाहर। एक गाड़ी चला पड़ी, एक्टिवा चला रही। गाड़ी मेरी 1 तारीख को आएगी। 1 तारीख में फिक्स हो गई क्या? हां तो फिर 1 तारीख फिर कहीं नेक दिल्ली पीऊ ना। मैं दिल्ली में पीऊ जाने में जाऊं, नेक उतार थोड़ी हो जाए यार। दीदी 21,000 बार मैं जाऊं पीऊ जाऊं। हां तो 21,000 थे लोग जी मोला, बस थोड़ी जी मिलना। मैं जी मतलब भी नहीं जी मोला, उसके लिए बेस्ट चीज सुन। बढ़िया बढ़िया गेमिंग करा ले रूंला भी नहीं। एक तो भी जानो चाहे कांटी कौन सी पार्क में, फलाना पार्क में तन बिल भी दे जाऊंगा। वो मैं ले जाऊंगी उसको तेरे पर जाने और तनी। चश्मा दीदी बताऊं क्या ला रही है? आंखे पिक्चर की डॉन। और वैसे शिवा राम जी को देखो। शिवा क्या हुआ? छोटा डॉन, छोटा पैकेट मेरा, छोटा पैकेट क्या है? क्या हुआ आज? शिवा ने योगा किया? किची किची गंदा हो गया, दवाई गिर गई ऊपर। गंदा पसंद नहीं है इसको। योगा किया? नहीं। क्यों नहीं किया? स्कूल क्यों नहीं गई? स्कूल क्यों नहीं गई? अच्छा मामी बोली स्कूल नहीं जाना। ओए मामी ऐसे कैसे बोली स्कूल नहीं जाना? अच्छा तबियत के चक्कर से स्कूल नहीं गया आज? उल्टी आ गई इसको कल। उल्टी कहीं आ गई? सारा गांव ना दरगर मेल दियो। माँ को उल्टी आ जाती है अगर कहीं कहता खाई करे नींबू चौंकले सही जाए। नॉर्मल था वो। नॉर्मल कौन है? नॉर्मल से कौन है? नॉर्मल सोच लीजिए हमारे लिए नॉर्मल से बिल्कुल। क्यों सुबह भाई? सुबह की शुगर आई कती 5.3 बिल्कुल लो लिखड़ा मशीन में भी। फिर तुरंत किशमिश विशमिश खिलाया, फिर इन शोभा को दिया खूब देर तक। तो रिस्क है और माँ को दशा चौकी थी, नहीं तो भाई बेहोश हो जाते फिर एडमिट ही हो। तो लेकिन दशा बहुत अच्छी थी आज। साफ सफाई चल रही है? साफ सफाई तू यार एक बात कमरा की कर जाए, कभी कभी मुंडा की कर ले सारा मेकअप उतर जाए। मैं नहीं नहीं ना इसलिए ऐसे हो रहा। काल को मेकअप तारी को नहीं तो मेकअप था ही नहीं मेरे मुंह पे। घर पे मेकअप कर चुके यार। काल को मेरी रील के चक्कर में बस वो उतार लिया था उस टाइम। तो फिर आज को क्या प्लान था? आज का प्लान है मेरा रेस्ट करने का। ऐसा सारा दिन रेस्ट ही तो करे और करेगा ही। क्यों भी काम करे मेरा प्लान है रेस्ट करने का। मेरे को प्लान का नाम सुन गली पे गाजर का आलू बनाओ। गाजर का आलू गर्मी में कौन खाएगा रे भाई? हम खाते हैं उल्टे चलते हो जाकर साहब। चल एक चीज बता, मैं थारी पूछू तो तुम्हारी चीज पूछे। मारो फेवरेट स्वीट कौन सी है? गाजर का हलवा। फेवरेट सब्जी? पनीर की भिंडी। फेवरेट रोटी? जो की रोटी नहीं आपकी फेवरेट, बाकी सारी फेवरेट है आपकी। गलत। फेवरेट रोटी मिस्सी रोटी। ये कब से होने लगी भाई? वैसे तो तू करने रही थी ध्यान रह लो, तू तो ये नौकरियां फोकरियां के चक्कर में पड़ मिली जाए। मिस्सी रोटी कब से फेवरेट हो गई? मुझे मिस्सी रोटी पसंद है मेरे को। अच्छा आप बताओ। चलो पूछो। मेरा फेवरेट डिजर्ट? डिजर्ट का ही हो बता। बिल तो तारो फेवरेट मीठो गुलाब जामुन। सब्जी? सब्जी भिंडी की। और बोल। फेवरेट आइसक्रीम? फेवरेट आइसक्रीम वनीला। मैंगो? मैंगो डोली। हे भगवान जो गिर जाओ। वनीला कैसे बोल? वनीला मारी जाए। मैंगो डोली तारी काई बन यारी बोली जाए। मीठ की बेटे काई दीदी कुणकी नई फेवरेट ड्रेस पिंक कलर। नैना ने ज्यादा फेवरेट पसंद है जीन्स और टी शर्ट या टॉप या कुछ? कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले से। मुझे ज्यादा टाइट फिटिंग के पसंद नहीं, एकदम कंफर्टेबल हो बस वही पसंद है मेरे को। वैसे इन्हें एक ही चीज पसंद को नहीं को खुद को नाक ते देखो एक बार। हो गया आपका? हाँ हो गया। बता मैं कौन चुके? तू चुकी रोटी का मामला। नैना ने पसंद तो ली बट टी शर्ट का जीन्स है, लेकिन नैना ने कभी पहनी नहीं। ब्लॉग में ये बात मत बोलो। यहाँ नहीं पहनी? यहाँ नहीं पहनी। अठे कौन पहरी? ब्लॉग में कौन पहरी? बाकी बिया तो पहरे चलानी है। अगली नौकरी कर ली काल ने खुद को ब्लॉग भी चलाओ ली पहले लिया अगली आपका हिसाब नौकरी कर ली प्रोफेशन का हिसाब सुना बोलो बड़े प्रोफेशन में भी हजार ये बैंक में ये थोड़ी रखे लिया राग लिया आपका हिसाब सुन ली। और मैंने बता मुंडा में कितनी क्रीम लगाई? अरे क्रीम बात दूसरी लगाई सड़ो क्रीम चमकरी चाहिए। बाबा खा गोरे रांदी क्रीम का बराम। ओ दीदी हरी सोगन दो जरी केन लागे क्रीम का दो जरी केन। तू बोले कौन दे? मैं ओटा करू बकवास करे फालतू। पैसा तुम्हारे लागे जे? हां थारे लागे जे। पापा कमाओ जे मत कोने। ओ आदम के पति जे मोटली। हां तू सांडे चल लड़ी चल तू करियो कई चवार मैं बकवास करे। हमारा मामा जी का लड़का सुरेश उठे मिले भाई तबीयत पड़ गया कहीं अब बढ़िया भाई मार सु नाराज होगा क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल दोबारा मिलवा को बोल दोबारा यार भाई तू बीमार जो तन देख मन तो आने को नहीं यार मार तारी सोगन तारी आके ने तन देख मार आके हम रोज तो आए को ने बगीरी पर भाई वो भाई अतरो बिजी रह जे ब्लॉक के अंदर भाई नहीं भूल जाए जे जणा कह रही छु इन सपोर्ट पूरो करो भाई मार के बचो वाह यार देखो सही बात कह रही छु भाई मैं ब्लॉक में पूरी मेहनत कर रही छु डेली मेहनत कर रही छु राजस्थान में शायद नाम तो खोल लियो लेकिन मैं एक असो ब्लॉगर छु मैं भी छु जो डेली डाल रही छु और कुछ ना कुछ नया ले रही छु अब ते सारा सारा वीडियो देख रहे छोड़ दीजो देख और व्हाट्सएप पर लगा दियो तो कतरो स्वाद आ जाए थारो स्वागत किया जाए कुछ मीठा हो जाए वो भी लड्डू के साथ राजी कर yes, तो भाई राजी ना हो मामी बाण जी कहीं नहीं जा रहे आप लोग जा रहे हो मैं छोड़ के साथ शिवा क्या लेके आऊं कार शिवा मस्त लग रहा है रेड पजामे में हां मेरे को बताओ कैसे लगते हो टेडी बियर टेडी बियर टेडी बियर तू बारन बटी बड़बड़ा रही थी सुरेश आ रहे थे बैठ को क्या बड़बड़ा रही थी तुम्हें मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई मैंने मेकअप नहीं लगाया भाई आ रहे हैं सुन रही हो अटे बैठे बैठे मैंने कहा था मैंने बिंदी नहीं लगाई अटे बैठे बैठे सुन रहे हो मैंने भी कौन ध्यान में आगो सुरेश मैं नार बारे निकले सुरेश कैसे
मैं भी समझ गया वो भी ब्याह उड़ो मैं ब्याह उड़ो दोनों मजबूरी समझ गए एक दूसरे की। ऐसे नहीं बोला था मैंने उस टाइम जाता कि आप दही आप दही के साथ लोगे खाना तन कहीं ध्यान तू कहीं बड़बड़ा की आई लव यू। भैया सुरेश भाई निकल लिया भाई पहली मन कोई पापा काम दिया जो कोई दुकान को कपड़ा को पार्सल जो जो कोई खटे मकराना उतर को जो बोला बस में गाल और दोबारा भी जुझे तो जो टोटा लता सर की लाइडा था बिन पटकला डिग्गी में फिर बिन दुकान छोड़ और कटे जाओ हमने बाइक सत्ता बाइक है ससुर जी एक्सपायर हो गया था जो बहुत बार भी लुप्त हो जाए। बिल्कुल भाई एक ही तो बाइक खास हमारी भी बाइक है और भैया वो माँ को लागे भाण जो जी को दादो मरे जी को दादो तो भाई बटे जाओला और बटे देख ला आज माहौल ब्लॉग बना बनाए तो बनाओला नहीं तो जाओ तो यार मरता करता काई करता बटे किया बनाओला फिर तो चलो रास्ता मूल में जो देला था मकराना उतर को तो अभी उठा लिया जाए और अटे जो टोड़ा सर खेली पड़े तो डिग्गी देखो तो गाड़ी कितनी बड़ी है एक और अंकल जी डिग्गी बड़ी है डिग्गी का तो आनंद ही तो वही चला जा दुकान और फिर दुकान इन सामान उतार और सीधा निकल जाओ अपना बाण दसवीं करने सबका सब मिलियो शेटानी जी देखो कहीं अवतार मार दुकान बैठ गई तो दुकान कहीं हो जाए ग्रह कहीं भीड़ लग जाए तो लगे तो भीड़ तो मनसो आदमी आओ तो भाया धंधा पे और शिव जी को अड्डो से शिव जी का थड़ा पाया और बैठे चला मनसू का ही मतलब मैं बिना मन गाऊं चले गुना तो थारगन करा अरे जा मारगन सीधा ग्रह के लेबल है उस थारगन बतला बड़े आओ जे हां लेबल के गुना मार के लेबल भी आओ से भाया जी दिन दुकान पे आओ जे दिन चाय को बजट ज्यादा बढ़ जाए हां तीन चाय तो लागी तीन लागी 60 70 चाय कर देली आज की तो हां कर देली मन बाय देख जा छोरा आज काई सेट करवा दी देख तू देख हां भाई वाह मम्मी देखो आया बाद में सेटिंग बैठा बग लाग रही पूरा पूर्व भाई सब सिस्टम से काम करता है मोटा भाई तुमने सही दिया है हमको यार ये चीज तो बुआजी तुम्हारी बुआजी तुमने सही दी है इस घर में बुआजी को जैसे तू सब अरे मैं भी था बुआजी देख लो चौकी राख रहे था बुआजी का लखन तो कोने पर राख रहे थे बुआजी राख रही था ना अरे राख ली ये हुई बात इन तो खोजत पीर गाल जाओ हां बोल मन हर वक्त आके जे चल तन पीर गाल चल तन पीर गाल और मकीर में चली गई कहीं हां इधर दोगुण कर लो तब कपड़ा लो हां यार अब बात तो तू सही खेरियो जे भाई चलो रोटी कुण दे लो नहीं सुन इधर दोगुण कर लो रोटी कुण दे लो भाई रुपया तो ब्यूटी पार्लर का 5-7 हज़ार तो लग जाए ज्यादा मोटो खर्च होगा सही जमी भाई भी खुद खर्च कर तू मत कैसा कौन सा दिन पार्लर का पैसा दियो ब्यूटी पार्लर ब्लॉग देख खर्च होता नेचुरल जे है नेचुरल बढ़िया जे अरे आपका रंग ने देख दिया जोर मर्जी उड़ाओ जे मैंने रंग तू मांगी कालो थी भगवान कालो मांगी कालो मिल को ले मैं चलू हाँ ओके धोनी का धोनी मोटरसाइकिल नहीं है टाटा पटक रहे जनों को रिकवरी है लोग काम करे रहो कहीं चक्कर से मुंडो लाग रही है भाई साहब आतंकवादी क्या खड़ा रोड में आड़ी लगा लगा रहे तटे क्यों खड़े जो रहा जड़े क्यों खड़े जो मैं नहीं बता रहे तो साची बात बता दे तेरे 6 इंडे कहीं अरे 6 कहीं है जड़े हम देख जरा कोई पुण्य तो रे भाई ये निकलनो से तो मैं थे ये जयपुर जा रहे तो इसलिए मैं ये निकल जाऊं मैं भाई अरे मैं बताऊं कहीं चक्कर से वो बैठो वही गिरोह है जो पहली मरचे मरचे को नाकता नहीं है चलता के चोरी कर बाटे अरे वो गिरोह है वो देख ले तू एक मुंडो एक बार हां शक्ल भी पहचान में बना है मैं और सुरेश भाई धोनी का धोनी निकल लिया था वापस जयपुर के लिए और अब बटे तो क्यों बनाया ब्लॉग यार अब नुक्ता का लाडू खाता ब्लॉग बनाता चौका कौन लागा भाई एक तो लाडू ही गलत खा रहा था खाइए यार आप भाई को दिया मन कहे नहीं लाडू तू खाओ इतना लाडू खाओ लोगों फिर नहीं तो यार भाई वो आतंकवादी देख मैं फिर यान का गिरोह है ये भाई सब टक्कर वो देख ले वो घुसड़ दी छोड़ा समझाया दो तीन दिन टापरों का जब तो बुआ नहीं समझाओ थे सोच रहे सुशील भाई थोड़ा सा बना ही सकता ब्लॉग अब मान लियो यार मैं बड़े कैमरों ठा लियो और कोई बोल लो चमक जाए मार वाले जनार चमक ही जाए चमक जाए भाई कोई रिसेप्शन चल रही है कैमरा ठा लिया आया एक घंटों को बुआ बती जो कांट काई बड़ला पाटे कुन कुन की तो चुगली कर लिया धोनी जना बेटी बेटे सड़ा झूठ बोलो तो खाता का बाप की सो ना आप का की मैंने ध्यान से अब मम्मी तो कहीं बात करी ली भाई हर राखी पे कत्ता दे लो अरे आज तक करी को ना अब क्या कर ली आज तक मैं बताऊं कहीं उसे ए कहीं जे पांच बहना जे आपको सेपरेट बिजनेस चले जे हर गन कत्ता आया हर गन कत्ता आया तू नहीं एक लानी पूछ लो कि थारी पांच बुआ एक कियन की जे कदे लालच करी जगी कोई सी भी सुरेश इतने लगते हैं नहीं भाई बात कौन की रे कदे कौन की गई तू तो आगे मुंडा ने देख रही समझ जा तो लो इतरा तो ले ही लिया आज नहीं तो जो दे दे वो ले जाओ ओ भाई अबारा टेबल उठ गई जी को ऊपर शीशो जो ओ टूट अगर वो शीशो टूटतो ने तो मंदे अंज मारी हड्डिया मसू काई काई टूटतो चप्पल जी मैं दे दे दो कोई है चप्पल सुकन देती है तो आ तू भाई साहब शरीर देख तू हाथ देख तू ते देर से बॉडी बना ली पूरी बॉडी तो बनाना ही पड़े थे भाई बुआ काई बुआ दे दिया हमारा पुआ काट दी दे देख शीडा कत्ती बड़ी कर दी कत्ती बड़ी कत्ती बड़ी तो फिर मन थे एक बात बताओ जत्था के घर बहुत डोलाओ काम चले जो खुद को और मकान को जो इकन बाठा की परता कटे उठवाए तेरे कांड उठवाए जाए हेलो इको पेट बड़वा आत्या
घर चो जना खाए जाए घर चो ना खाई जाए खेदू ने चाल एक पर माटी ठाले मारी कड़िया बोल गई दुकान क्यों गई थे बट पक्की बात चार पांच सड़े गल ले ली थे लबस आप बुआ थारी वाया मारो काट का दो तू तो ले जा रहे वाया सात हजार पक्को भतीजो इन तो कोई राय को ने थारी तबियत तो ठीक है देखा थारे हट में दर्द हो रही ये भाई दो बस लेके आए दादा दादी आ गए फाइनली वापिस तो दादा दादी से मिल लिए क्या आप मिल ली है और भाई मई के लिए गाड़ी ले रहा है जो बार आ 30 रुपया का माइन साले का एक्सेल वेक्सल सब कर 30 मिनट भी कौन चली भाई साहब हमारा घर का देवी देवता रूसे ना रूसे मारी लुगाई दिन में तीन बार रूसे जे काई बात हो की बात है थन बेरो को नहीं के जाए की बात हुई है काई बात हो की मन बता तो सही गोली देनो ना जाकर साहब थारू को सीख है थे मन 15 20 मिनट को नाम लेके 2 घंटा तक गोली दी अरे यार तू 15 20 मिनट को जब नाम ले लू ना जब तू ये समझ जाओगे मैं 4 5 घंटे की तो गई है आदमी तो ये उल्टा मेरे से भी एक्सपेक्ट करना और मुंह के पास क्या लेके आ रहे हो उसको एकदम अरे यार थारू मुंडो छई छोड़ो दे करने लेड़ो पड़े से कैमरा नहीं तो तू रूस मत ये मतलब मंदाबा कहीं ले ली मंदाबा को मन तो कहीं कौन जाए कहीं कौन जाए तू रूसड़ी ले ली हां तब तक रूसड़ी ले ली मेरी मर्जी होगी जब तक तो डांस करके दिखाऊं आपको नहीं फिर नहीं देखना गोली गोली देते हो दोस्तों ये गोली देते हैं ये मेरे को बोलते हैं कि मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ और 2 घंटे तक गायब रहते हैं 2 घंटे तो अब क्या है देखो मेरे और भी तो है ना जो फिर उनसे बातचीत करने में टाइम लग जाता है मित्र यार दोस्त मंडली है मेरी और आजकल स्टाइल पकड़ ली रही एकदम मुंह का कन्ना तो सीधी बात मैं तो मत खराब कर जाता अतरो टाइम कोने मानू मैं कौन माने चल ठीक से फिर मैं एक काम करूंगी चुपचाप यार सो जाऊं जाओ सो। पिक्चर भी तो देखनी चाहिए कौन देखनी मैं दिखा ले रहा हूँ लूट है नाराज मत है तू पीवीआर में थोड़ी घूम लीजिए पूरा नहीं चल लूट मम्मी ने किया पिक्चर देखवा जा रहे फिर तो चल जाऊंगी बैठे तो क्या आज पिक्चर देके आऊंगे एक पिक्चर नहीं पिक्चर समझ में नहीं नहीं अब 2 घंटे में आ जावला छुट्टी कौन आज आज भी खरी जी खरी जी जासी के आपका मुंडा खई कौन है मुंडा खे दे अरे खे दे मन तो खरी जी देर की एक बार खे दे समझ बुर खे दे खे दे मैं तो काई कौन बोलूं मैं तो टाल के बाल दे दे कत्ते डर पे खे दे थे के चल ठीक से जाया आज आज ही खरी जी मैं तो नट दियो जो भाई मार तो बिल्कुल ही इच्छा कौन है मन पसंद भी कौन जो मारा पिताजी ने पसंद कौन तो फिर मैं गया यार आदमी लुगा एक आगे दबाई से अब अरे थे एक बार नट दिया मम्मी पापा तो ये करी ना थे आ कर दिया बच गई कौन करी मार तो जाऊंगे फिर जाओ वो मैं कुछ बिजली का बिल दोबारा दिए जीने पे टिड्डे लगा दूंगी जिस टाइम आप ये व्लॉग देख रहे हो उसी टाइम अपने भानु भैया का क्या है जन्मदिन तो भैया बर्थडे विश के नाम से कम 500 कमेंट होने चाहिए तो बोलो सबके सब हैप्पी बर्थडे भानु टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू भानु भानु देख रहा होगा ना कल हैप्पी बर्थडे टू यू भानु और भानु का देखो रियल नेम है पार्थ और हम प्यार से बोलते हैं भानु और छोटा था जब मैं उसको बोलता था गीगला बाबू बहुत शरारती था भानु छोटा था ना बिल्कुल सोता ही नहीं था पूरी रात भाई मैंने उसको एक मस्त चीज सिखाई थी छोटा था जब उसका क्या ये सिर चौड़ा था उस चौड़े सिर से मैं यूं बुढ़ा कर हर कोई दिखता ना उसके मारना सिखा दिया बटका खाना सिखा दिया तो क्या है छोटा था और लाडला था सबसे ज्यादा क्योंकि पहला घर का बच्चा वही था फुल बिगाड़ा उसको फुल लेकिन आप थोड़ा बहुत समझदार हो रहा है उम्र के साथ साथ वो तो हो जाता है ना धीरे धीरे जिम्मेदारी पड़ती है ना जैसे जैसे तो सब सीख जाता है अब जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ रही है धीरे धीरे आप सीख रहे हो कि पैसे की वैल्यू क्या होती है वरना भाई पहले नैना यही बता रहा हूँ मैं अगर जेब को मैं 500 रुपया देना 550 उड़ावा की हिम्मत रखा जी बोल गलत करी चुके नहीं नहीं और अब मुझे इतनी कदर नहीं थी रुपयों की अब थोड़ी समझ में आ रही है नहीं यार रुपये बचाने चाहिए देखो अच्छी चीज है कोई भी हो अच्छी चीज है और एक ने ना मारा है यूट्यूब पे कमेंट आ रहे जो कि मेरी यूट्यूब से इनकम क्या है इनकम समझ लो अच्छा कुछ नहीं है खर्च में चल जाती इतना ही है बस ये है कि जितना भी घूमना फिरना सारा होता है ये यूट्यूब से छोटे मोटे स्पॉन्सर से इन सब से हो जाता है बाकी यू मत सोचना भैया कोई मोटा सौदा है भाई महीने के 5 लाख आ रहे हैं बाकी आप लोगों का प्यार रहा ना तो 5 लाख नहीं 50 लाख भी आएंगे लेकिन अपन को प्यार चाहिए हमें बस आप लोगों का सपोर्ट मिले और ऐसे हमें बचता कुछ भी नहीं है हम
जो भी दिखाते हैं आपको बस उसी में वो खर्चा पूरा होता है। और यही हमें जिंदगी चाहिए भैया, हम खुश हैं इस लाइफ में, बहुत खुश हैं। क्योंकि देखो पीसो हर कोई कमा ले लो, इज्जत प्यार और परिवार कौन कमा पाओ लो जो थे मन दे रहे हो, समझ रहे हो। तो आओ थान पिक्चर दिखावा जाए, क्योंकि मारी गुस्सेली भी नहीं मैंने नहीं, आज इनका प्लान था ये बस मेरे पे थोप रहे हैं। भाई पापा का सामान तुम्हारी बात तो रख लेगी नहीं, पापा तो एक बार लड़ दी, पापा भाई पिक्चर के सख्त खिलाफ रहे हमारा, और रात का शो के लिए तो स्पेशली अगेंस्ट रहे भाई। लेकिन आज इन्होंने मेरे को जरिया बना बलि का बकरा बना, बलि का बकरा बना के खुद की बात निकलवा ली। ओए सुन, ये मॉल में जाबो को एक उसूल जाए भाई साहब, मॉल में अंदर कुछ बस पहले डांस करना पड़ जाए। हां चल चल किसी और को सिखाओ ये सब। हां ले तू मान रही कौन है तू बेवकूफ हूं क्या? ठाकुर की छोटी बच्ची पीऊ थोड़ी हूं मैं। पीऊ ने तो बेवकूफ समझे जा, छोटी बच्ची समझे जा, बात दादी से मारी बेकी बात सुन जा, तू क्या कर रहा है? पर नैनंद कहेंगे जा मम्मा मेरे को बेइज्जती करना बहुत अच्छी सा है, थोड़ा हिसाब से बोला करो। कहजे कौन है? आयो को नहीं स्वाद है। अरे नहीं भैया, क्रेडिट कार्ड के पहले वालों के बिल नहीं लग रहे टाइम पे। आप देखो पीवीआर का तो सुंदर जो, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ। तीन नंबर छह पहचानो जी, दांत मत काट वो कर। दांत क्यों हैं मेरे? दांत मैं निकालूंगी दांत आपको भाई। माँ के साथ लिफ्ट में चोट होगी, थोड़ी लड़कियाँ दादा जी तुम्हारे बात करवा लागो। और लिफ्ट की प्रॉब्लम क्या है, जब लड़के होते हैं ना ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो ना जब हमारा थर्ड फ्लोर है ना यूं से बातों में लगा, मैं इनको बोल रही अपन को कौन से फ्लोर पे उतरना है, कौन से फ्लोर पे उतरना है, बातों में बिजी हो रहे हैं। ऐसे नहीं थर्ड फ्लोर आगे वापस ग्राउंड अंडरग्राउंड फ्लोर में जाके फिर वापस आए हैं। अंडरग्राउंड नहीं उसको, हाँ अंडरग्राउंड फ्लोर ही बोलते हैं। और भाई कहीं जाए यहाँ कहीं भी कोने बा कहीं एक छी भाई जो ये लगी मैंने मम्मी की जो गुलगुली सी जो मैंने खेदी डेढ़ आदमी हूँ अब तो आई तो क्यों जो गुलगुली तीन चार लड़के थी वो मैं तो एक नहीं क्यों जो ले आ गए भाई स्क्रीन नंबर छह खोल बारह ने खोल ही ना यदि कौन से लिफ्ट में उठा दिया, से लिफ्ट से थोड़ी आए थे अपन। मूवी के बाद में मैं नैना को एक इमरजेंसी लिफ्ट से लेके जा रहा हूँ, वहाँ भीड़। डर क्यों रहे हो आप? मत कौन सी लिफ्ट है यार, आप डरो मत, उतरो उतरो चलो। नहीं नहीं इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं बताता हूँ किधर जाना आ जाओ। पार्किंग अपना टोरा लेगी किस तरफ से, लेकिन ये डरावनी लिफ्ट थी बहुत ज्यादा डरावनी। देखते कैसे लग रहा जैसे कोई भाई यहाँ पे कोई भूतिया होती हो है ना, लेकिन ऐसा ही। और भाई मूवी एक नंबर थी, ओ माय गॉड टू, ओ माय गॉड मूवी जरूर देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, जाइए और देख के। और क्यों अच्छी जब वो देखे बाद में एहसास हो, पूरी देखे बाद में आधी निकलिए घर की तरफ। और आप लोग भी मेरे हिसाब से किसी ना किसी काम धंधे की तरफ निकल रहे होंगे व्लॉग देख के, या फिर व्लॉग देख के कई भाई लोग रात को सो रहे होंगे। तो भाई इस व्लॉग को करते यही एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आसपास कूड़ा कचरा मत फैलाओ। श्री राम जय श्री।